चक्षुर्न्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै इष्टदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरि कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। सर्वप्रथम हरि गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज की चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नवद्वीप धाम की महिमा को, जब श्री अनंत देव ने महाविष्णु को प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया था? वृंदावन में प्रवेश कर। हाँ, इसलिए आपका आशीर्वाद से हमें तो सब धाम को दर्शन मिला है, लेकिन अभी केवल एक धाम रह गया, श्री वृंदावन धाम। अभी तक मेरे को दर्शन नहीं मिला। तब श्री महाविष्णु कहते हैं, अगर कोई बोले कुत्ते का पूछ पकड़ करके हम समुद्र पार हो जाएंगे, जैसे ये संभव नहीं, उसी तरह से वृंदावन धाम दर्शन करना भी इतना संभव नहीं। क्योंकि जो वृंदावन धाम है, कहते श्री चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृत सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदं मादिपुरुषं तमहं भजामि। वाले जो वृंदावन धाम है, धाम चिंतामणि है, वृक्ष कल्प वृक्ष है, पानी त्वयम मृतम गमनम नृत्यम। अगर वहाँ कोई चलता है ऐसे लगता है जैसे बड़े सुंदर कोई नृत्य कर रहा है। अगर कोई कुछ बोलता है लगता है बड़ा सुंदर कोई भजन गा रहा है। इसलिए जो वृंदावन धाम है, कहते वहाँ एक कामधेनु नहीं, जितने गैया सबके सब कामधेनु है। कामधेनु मतलब जो मांगो एक गैया आपको सारी इच्छाओं को एक गैया पूरी कर सकते, जो कुछ मांगो। इसलिए वहाँ के जितने सब गैया है सबके सब श्री सुरभि गावी है, कामधेनु गावी है। इसलिए ये वृंदावन धाम दिव्य अपराकृत है। बोले जिन वृंदावन धाम में शंकर भी प्रवेश पाने के लिए चौकीदार की काम करते हैं, ब्रह्मा भी प्रवेश करने के लिए पत्थर का जन्म प्रार्थना करते हैं, और लक्ष्मी भी बैल बैल में बैठ करके भजन कर रहे हैं, उद्धव भी जहाँ पर तृण गुलमल औषध वृक्ष बनने के लिए प्रार्थना करते हैं, ये श्री वृंदावन धाम है। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। इसलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं, बोले जयति जयति वृंदारण्यमितद मुरारी प्रियतम मति साधु स्वान्त वैकुंठ वासात् रमयति ससदा गापालयन यत्र गोपी स्वरित मधुर वेणु वर्धयन प्रेम रासे। कहते वृंदावन धाम का इतना महिमा क्यों है? बोले कारण है, बोले जयति जयति वृंदारण्यमितद मुरारी प्रियतम मति साधु स्वान्त वैकुंठ वासात्। अगर कोई वृंदावन धाम में वास करता है, कहते ये वैकुंठ सभी श्रेष्ठ धाम श्री वृंदावन धाम है, हैं? क्योंकि जहाँ पर भगवान ने रास रचाया, जहाँ पर भगवान ने, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन है, जहाँ पर राधा कुंड
श्याम कुंड जहां पर श्री वृंदावन धाम में, और ये कहीं है नहीं, और जहां पर कृष्ण ने रासलीला किया है। कहते जो रासलीला है ना, ये वृंदावन छोड़कर और कहीं है? सुनाई पड़ता है भगवान रासलीला किया है, कहीं रासलीला नहीं किया। और भगवान वृंदावन, कहते भगवान वृंदावन सखी वो विकनोति कीर्ति जब देव के सुध पदा भोज लब्ध लक्ष्मी। इसलिए कृष्ण नंगे प्यार में वृंदावन धाम में ही कृष्ण नंगे प्यार में सर्वत्र भ्रमण करते हैं। कृष्ण सर्वत्र पादुका पहने, सारे वैकुंठ में देखो, अयोध्या में देखो, द्वारका में देखो, सर्वत्र। लेकिन एक ही धाम है जहाँ पर भगवान पादुका पहन करके सर्वत्र विचरण किया, जिनके चरण को स्पर्श करते हुए कहते श्री वृंदावन धाम। जो घास नहीं उनके रोंगट खड़े हुए, जो झरना नहीं उनके आंखों से आंसुओं की झरी बह रही है, श्री ऐसे श्री वृंदावन धाम है। कहते मैं स्वयं महाविष्णु खिरद गोसाई विष्णु गर्भत गोसाई विष्णु भी इस वृंदावन धाम में प्रवेश पाया नहीं, ऐसे श्री वृंदावन धाम की महिमा। और वृंदावन धाम की, इसलिए एक समय किसी भक्त ने बोला, हमने वृंदावन धाम में नहीं तो मायापुर धाम में इतना जमीन लिया। बोले क्या, वृंदावन धाम में तुमने जमीन लिया? अरे वृंदावन का एक जो धूल कणा है ना, है जो वृंदावन के एक धूल कणा है, कहते करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने से 100 स्वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से द्वारा वृंदावन का के धूल हमको वृंदावन का के धूल भी प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसे श्री वृंदावन धाम है। तो फिर यहाँ प्रश्न करते हैं, फिर तो वृंदावन धाम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, फिर तो हमारा प्रवेश अधिकारी नहीं वृंदावन धाम में है। तो कहते एक उपाय है, अगर कोई वृंदावन धाम में प्रवेश करना चाहते हैं, कहती ये ब्रज गोपियों की अनुगत्य करना पड़ेगा। कहती ये ब्रज गोपियों की अनुगत्य के बगैर कोई वृंदावन धाम में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए गोपियों की चरण धूल की जरूरत है। लेकिन कहते हैं भैया गोपियों की चरण धूल तो जरूरत है, इसलिए नारद जी ब्रह्मा जी को प्रश्न करते, बोले पिताजी आपने 60,000 साल तपस्या क्यों की और लास्ट में क्या बने? बोले पत्थर। क्या बने? पत्थर। बोले पत्थर बनने के लिए ब्रह्मा जी 60,000 साल तपस्या की। बोले क्यों? तब श्री नारद जी श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले बेटा ये गोपियों को साधारण मत समझो, ये सब के सब आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी स्थाभिर एव निज रूप कला तया भी। ये गोपियां कोई लड़कियां नहीं है, कहते ये आनंद चिन्मय रस की राधा रानी की भाव की एक एक मूर्ति ये ब्रज की गोपियां हैं, इनको साधारण मत समझो। शंकर भी गोपी बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं, चौकीदार बने भी गोपी तो बने नहीं सके क्योंकि अनुगत्य नहीं किया। लक्ष्मी भी गोपी नहीं बन सकी, क्यों? उन्होंने अनुगत्य नहीं की। ब्रह्मा भी गोपी नहीं बन सके। उद्धव भी त्रिनगुल लेकर जन्म ग्रहण कर रहे, क्यों? गोपी बनने के लिए। और हम लोग जो भजन कर रहे हैं ना, हम भी एक गोपी बनने के लिए भजन कर रहे हैं। कब ये गोपियों की अनुगत्य, राधा जी की अनुगत्य में हमें कब ये गोपी दया प्राप्त हो? इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वृषभानो पुरे जनम लैव जाबटे भी वाहवे ब्रज गोपी बाब हाई वे स्वभाव आन बाब न रहीवे। इसलिए प्रार्थना करते कब ऐसे दिन होगा, जन्म कहाँ भर ले? बोले बरसाना में, राधा रानी की सखी ही बन करके बरसाना में जन्म ले। लेकिन शादी कहाँ पर हो? बोले जाबट में किसी गोप से शादी हो, और राधा जी के अनुगत्य में श्री कृष्णचंद्र की हमें सेवा प्राप्ति हो, है राधा रानी के अनुगत्य की हमें प्राप्त हो। इसलिए सबके सब गोपी देह प्रार्थना के लिए प्रार्थना करते हैं, बोले देखो ये ब्रज गोपी की बगैर कोई भी वो लीला में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए जो श्रुति है सुन रहे थे ना पहले, जो श्रुतियां ये सब के सब एक के मंत्र रूप लेकर के गोपी देह प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की, श्रुतियां सबके सब वेद के मंत्र। जब भगवान संतुष्ट हुए बोले क्या चाहिए? बोले हमें
गोपियों की जैसे हमें भाव चाहिए, गोपी अनुगत्य हमें चाहिए, गोपी देह चाहिए, बोले ये नहीं होगा, और कोई चीज मांगो, ये चीज बड़ा दुर्लभ है। और बोले नहीं, हमें तो केवल यही चीज चाहिए, और कोई चीज चाहिए नहीं, हमें केवल यही चीज चाहिए। तब उन्होंने बोले ठीक है, तुम लोग गोपी बन करके वृंदावन में आओ, और जितने दंडकारण्य का ऋषि सबके सब गोपी बन करके आए, जितने सबके सब जनकपुरी के जितने सब स्त्रियां सब गोपी बन करके आए, स्वर्ग से सब देवी गोपी बन करके आए, ये सबके सब गोपी बन करके आते हैं राधा जी के अनुगत्य को प्राप्त करने के लिए। कहते गोपियों के कृपा के बगैर कोई भी वृंदावन धाम प्रवेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये गोपियों का भाव भी बहुत दुर्लभ है। बोले फिर तो हम मिलेगा नहीं, अब इतने बड़े बात बताए तो अब फिर मिलेगा नहीं हम तो। कहते हाँ, अगर उसको पाना चाहते हो सबसे एक सरल उपाय, क्या उपाय है बोलो, क्या सबसे सरल उपाय है? हाँ, इसलिए महाविष्णु कहते हैं यही प्रेम को देने के लिए कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप धाम में जन्म हुए हैं, नवद्वीप धाम में प्रकट हुए हैं, इसलिए कहते हैं हैं एमन गौरवी नाना ही आर हे ना अवतार हवे की होए छे हे ना प्रेम पर चार दुरमति अति पतित पाषंडी प्राणे न मारिल करे हरि नाम दिया हृदय सोधिल जाचिगिया घरे घरे हे मान गौरवी नाही हार। इसलिए श्री प्रेमानंद ठाकुर कहते हैं एमन गौरव बिना नहीं यार, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे जगत में कोई है नहीं। कहते है ना अवतार हवे की हो, आपने कभी ऐसे अवतार देखा है? कभी हुए बा, कभी होएगा, कभी नहीं होएगा। है ना प्रेम प्रचार, इन्होंने जो प्रेम को प्रदान किया, कोई ऐसे अवतार कभी देखे हो है? कोई ऐसे नहीं हुए जो श्री को ब्रह्मा शंकर नारद जी जो प्रेम को प्रार्थना करते हैं, उन्होंने क्या किया? बास बजाई कर ताली, बास हाथ में ताली बजाते हुए बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, बास हो गया, इतने में हो जाएगा, और इतने में हो जाएगा बोले, हाँ इतने में हो जाएगा, मतलब इतने उन्होंने इस चीज को उन्होंने इतने सरल बना दिया, इतने सहज बना दिया, हाँ भगवत प्रेम को इतने आसान। बोले चंडाले ब्राह्मणी करे कुला कोली कभी बाछी लाए रंग, कभी ऐसे रंग देखा है जहाँ पर चंडाल ब्राह्मण एक साथ में मिल करके सच्चिदानंद गौर हरि की जय एक साथ में कीर्तन करते हुए कभी नहीं देखा है उस चीज को है। इसलिए कहते यदि गौरंग नहीं तो तब की है तो नहीं देहरी ताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के गा पुना पुना गौरंग रघुना सरल हैया मना हे भाव संसारे न दयाल ना देखी जे कजना। इसमें कहते हैं यदि गौरांग नहीं तो तबे की है तो केमन धरिता में, अगर महाप्रभु नहीं होते तो है महाप्रभु नहीं होते तो कहते राधार महिमा प्रेम रस सीमा, राधारण की जो महिमा, राधारण की जो प्रेम की अंतिम जो सीमा, जो महाभाव स्वरूपिणी राधारानी है जगत कौन जानता, किसको पता चलता राधारण की महिमा, किसको पता ही नहीं चलता है। इसलिए महाप्रभु ने आ करके ही ये चीज को दिया है। इसलिए कहते हैं वही प्रेम को देने के लिए अभी श्री सच्चिदानंद गौर हरि कहाँ पर जन्म हुए, श्री नवद्वीप धाम में जन्म हुए, नवद्वीप धाम में एकदम सबको देने के लिए वो आए हैं, हैं सबको देने के लिए। इसलिए कहते हैं दयाल नीताई चैतन्य बोले नाच रे अमार मन, दयाल नीताई चैतन्य बोले नाच रे अमार मन, नाच रे अमार मन, नाच रे अमार मन,
हेमन दयाल तनाई हे मार के प्रेम दे भावे प्रेम धर दयाल नीताई चैतन्य भोले नाच रिया मार मन। इसलिए मेरा जो मन है नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को लेकर नाम लेकर नाच उठे है, क्योंकि ऐसे दयाल जगत में कोई नहीं हुए जो मार खा करके भी जो प्रेम दिया। कृष्ण को अगर थोड़ी इधर उधर किया ना चक्र उठा लिया कृष्ण, राम को साथ में कोई इधर उधर किया तो उठा लिया धनुष पूरा खत्म, लेकिन इनके सर भी फोड़ दिए हैं। बोले भैया भले ही तुमने सर तो फोड़ दिया इसलिए क्या तेरे को प्रेम नहीं दूंगा, एक बार हमारे किणिया लो बोलो गौर हरि, एक बार श्री मेरे प्रभु का नाम लो सचिनंदन गौर हरि की, बस मैं तुम्हारे पास में बिक जाऊंगा, तेरे पास में बिक जाऊंगा। इतने दयालु श्री नित्यानंद प्रभु महाप्रभु इतने दयालु हुए है, बड़े दयालु हुए है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, अगर इसलिए कहते हैं ये अगर कोई श्री नवद्वीप धाम में जा करके है कोई परिक्रमा कोई नवद्वीप धाम का कोई परिक्रमा कर ले वैष्णव का अनुगत्य में है, इसलिए कहते हैं गौरव अमार जैसा स्थाने करला भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरब आमी प्रणय भक्त संग। इसलिए अगर कोई प्रेमी की भक्तों के अनुगत्य में कोई नवद्वीप धाम कोई परिक्रमा करे तो बस केवल नवद्वीप धाम का कोई परिक्रमा करे वहां पर जाकर लौट पोट खाए चरण धुली सी महाप्रभु भक्तों की परिक्रमा करे तो क्या होगा, बस उसको क्या मिल जाएगा, बस उसको भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, उसको आसानी से ही उसको ये ब्रज गोपी का भाव अपन अपने आप मिल जाएगा। अपने आप नवद्वीप धाम परिक्रमा करने पर ही अपने आप तुम्हें ये ब्रज प्रेम की और गोपियों की भाव अपने आप तुमको मिल जाएगी। इसलिए अगर वो प्रेम करना चाहे तो कहाँ पर जाओ, श्री नवद्वीप धाम में चलो और परिक्रमा करो, बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की। हाँ, इसलिए बस वो प्रेम अपने आप मिल जाएगा है, ये सबसे आसानी उपाय है। तब यहाँ पर श्री कहते श्री अनंत देव फिर प्रश्न करते महाविष्णु को, क्या प्रश्न करते हैं, आप कृपा करके बताओ ये नवद्वीप धाम बना कैसे, ये धाम की इतने महिमा क्यों, क्यों ये धाम को परिक्रमा करने से आसानी से ये भगवत प्रेम क्यों प्राप्त हो जाएगा, गोपी प्रेम की क्यों प्राप्ति होगी, इसका रहस्य क्या है। तब उन इसकी रहस्य को बताए ये नवद्वीप धाम कैसे प्रकटित हुआ। कहते एक समय राधारानी ने देखा कि जो कृष्ण है ना ये बिना बोले कहीं चले जाते हैं, और जब आते हैं उनकी जो मन है ना कभी कभी इधर उधर डामाडोल सा दिखता है। राधा रानी के मन में शक हो गया, बोले लगता है कि गड़बड़ कुछ हो रही है, क्योंकि अगर कहीं काम में जाए पति वो बोल करके जाए ना भैया अमुक स्थान में जा रहा हूँ ये काम करके आऊंगा, छुप कर क्यों जाएंगे हैं, छुप करके क्यों जाएंगे। कहते जो स्त्रियां हैं ना पति के मन को आसानी से देख लेते हैं, आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए राधा रानी समझ गई कुछ दाल में कुछ काला है। तब उन्होंने एक सखी थी उस सखी को लगा दी, देखना तो ये कृष्ण कहाँ जाते हैं बिना बोले। तब वो सखी एक दिन फलों की फलों करते 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 देखा एक सुंदर जैसे वृंदावन धाम है इस अपूर्व एक सुंदर स्थान है। हाँ, यहाँ पर तो यमुना नदी बह रही है, वहां पर गंगा बह रही है, यहाँ पर क्या है कदम वृक्ष है, कदम वृक्ष है, तमाल वृक्ष है, जुई मली केतक सुंदर सुंदर फल फूलों के वृक्ष है। वहां पर भी नवद्वीप धाम गए ना, वहाँ कटहल का वृक्ष है, आम का वृक्ष है, नारियल का वृक्ष है, वहां पर भी सुंदर मनोरम स्थान है। वहां पर गंगा किनारा में एक सखी है जिसका नाम बिरजा, वो बहुत सुंदरी सखी है। कृष्ण जा करके उसको साथ में मिलते हैं। अभी ये सखी ने उसको देख करके हाँ देख करके अगर राधा रानी को बोले, बोले राधे तुम जो बोल रहे थे ना वो सही निकली है, हैं तुम्हारी संदेह सही निकली। राधा रानी तो समझ गई, बोले हाँ मैं तो यही तो सोच रहा था कि जो गड़बड़ी कुछ हो रही है। तो राधा रानी पहुँच गई, जब राधा रानी वहाँ पहुँच गई इसको देख कर कृष्ण और जो बिरजा इतने डर गए बस वहाँ से कृष्ण तो अंतर ध्यान हो गए और बिरजा पानी बनकर नदी बनकर बिरजा बह गई।
जब बह गई, इतने में राधा रानी समझ गई कृष्ण की ये स्थान बहुत प्यारा है। तब राधा रानी वहीं पर खड़ी होकर के सुंदर उन्होंने बंसी ध्वनि की, इतने सुंदर राधा रानी बंसी ध्वनि की कृष्ण को वहां प्रकट होना पड़ा। जब कृष्ण वहां पर प्रकट हुए, इतने में कृष्ण प्रकट होने पर धीरे 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 क्या हुआ, राधा कृष्ण दोनों मिल गए और मिल करके श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया। और जितने सबके सब वहां सखियां थी, जब देखा ये दोनों मिल करके महाप्रभु बन गए, इतने में जितने सखियां हैं ना सबके सब बदल गए हैं। ललिता क्या बन गई, स्वरूप दामोदर बन गया, विशाखा खदी बन गए राय रामानंद, और तुंग विद्या ये बन गए प्रबोधानंद सरस्वती हैं, कहते अनंग मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी बन गए, और श्री लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी बन गए, रूप मंजरी रूप गोस्वामी बन गए हैं। सबके सब धीरे 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 ये सब पुरुष रूप धारण कर लिया, पुरुष रूप धारण करते हुए सबके सब वहां पर बड़े सुंदर वहां पर कीर्तन किया है। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब मिलकर के खूब कीर्तन किया है महाप्रभु का, सुंदर सुंदर सब मिलकर के सब के सब कीर्तन किया। कीर्तन करते 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 धीरे 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 फिर वही सखियां सखा और सर राधा कृष्ण फिर बने के, जब बन गए अभी राधा रानी को पता चला कृष्ण को ये धाम बहुत प्यारा है, ये धाम बहुत प्यारा है। तब राधा रानी, उनका नाम राधा, राधा मतलब क्या है, कृष्ण को जो आराधना करती है, कृष्ण की समस्त इच्छाओं को जो पूरी करते हैं श्री राधा रानी है, समस्त इच्छाओं को। बोले कृष्ण कृष्ण ने आराध्यते इति राधा, कृष्णम सम आराध्यते इति राधा, मतलब कृष्ण भी जिनको आराधना करती है, कृष्ण को जो आराधना करती है वो श्री राधा रानी। समस्त कृष्ण की कांति, कांति मतलब होता है इच्छा, कृष्ण की समस्त इच्छाओं को जो पूरी करने वाले श्री राधा रानी। तब राधा रानी समझ गई कृष्ण को ये धाम प्यारा है। तब राधा रानी अपना हृदय से ही ये नवद्वीप धाम को प्रकट किया, इसे नवद्वीप धाम नहीं और न कुंज है। राधा रानी जिसे मुद्रद्वीप गोद्रमद्वीप कोलद्वीप रुत्रद्वीप है, वहां पर जो अलग अलग जो द्वीप गए कि नहीं, वहां पर कौन कौन गए, इसलिए वहां पर जो एक एक जो हम जाते हैं ना परिक्रमा करने के लिए, जो एक एक दीप नहीं, कहते एक एक कुंज है। राधा रानी कृष्ण सेवा के लिए उन्होंने एक एक उन्होंने कुंज बनाया उन्होंने, इसलिए ये श्री नवद्वीप धाम नॉट अ कुंज है। इसलिए कहते जैसे श्री राधा रानी के हृदय से प्रकट हुई, और राधा रानी कैसे है, राधा रानी का हृदय कैसे है, कहते ना जय राधे जय जय माधव दैते करुणा कोरो माई करुणा बरीते सनक सनातन वर्णित चरिते। जय राधे जय जय माधव दैते। राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, राधा रानी हैं दयालु। इसे जैसे राधा रानी अत्यंत दयालु हैं, उसी तरह श्री नवद्वीप धाम भी, क्यों राधा जी के हृदय से प्रकट हुई, इसलिए नवद्वीप धाम इतने दयालु, वहां पर कोई जाने पर परिक्रमा करने पर उसको भगवत प्राप्ति, उसको महाप्रभु की चरण की प्राप्ति, और महाप्रभु की भक्ति अगर उसको मिल गया ना, कहते गौरव प्रेम रसार नवे
से तरंग जेवा डूबे से राधा माधव अंतरंग। महाप्रभु का प्रेम में कोई डूबे तो अपने आप कहाँ निकलेगा, गुरुदेव कहते हैं कैसी घाट में डुबकी लगाओ निकलेगा कहाँ पर, कहते श्री नवद्वीप धाम निर्दय घाट में डुबकी लगाओ निकलेगा कैसी घाट पर। मतलब कोई अगर महाप्रभु का प्रेम रस में गोता लगाए, उनका दास्य रस से भजन करे, उनका अपने आप उनका राधा कृष्ण की प्रेम उनकी प्राप्ति हो जाएगा, कैसी घाट में उठेगा। इसलिए नवद्वीप जो धाम है, नवद्वीप धाम नहीं राधा जी के हृदय से निकली, ये नट कुंज है श्री राधा रानी की हृदय रूप में प्रकाशित हुई है। बोले श्री नवद्वीप धाम की, बोले श्री सचिनंदन गौर हरि की, बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल की। आज इतना सुनो, कल से फिर सुनना। आप लोग सुना है कुछ? सुना है हाँ, कल कल तुम लोग तैयारी होकर नवद्वीप धाम की।